वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपीपीसी वाला और यूपी आरबीएनएल में क्या अंतर है। और ये क्वेश्चन कई बार आप में से लोगों ने पूछा कि सर ये बता दीजिए कि यूपीपीसी वाला और यूपी आरबीएनएल में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपकी इस क्वेश्चन के जवाब में एक वीडियो बनाई है और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाए कि यूपीपीसी वाला और यूपी आरबीएनएल में क्या क्या डिफरेंस है। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है। बाकी अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो लोग ये वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपीपीसीएल और यूपी आरबीएनएल फुल फॉर्म क्या है। तो एक है यूपीपीसीएल यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एक है यूपी आरबीएनएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम। जैसा कि नाम से बताया जाए राज्य विद्युत उत्पादन निगम मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि विद्युत का उत्पादन कर रहा है, मतलब वो डिपार्टमेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो है आपका यूपी आरबीएनएल। और यूपीपीसीएल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब वो डिपार्टमेंट जो कि यूपी में जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, हर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे मेजर डिफरेंस क्या आ गया, आपने देखा कि यूपीपीसीएल क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है और लोगों के लिए उसको लाइनें बिछा रहा है, ये आपका यूपीपीसीएल। और यूपी आरबीएनएल मतलब वो डिपार्टमेंट जो कि विद्युत को उत्पादन कर रहा है वो है आपका यूपी आरबीएनएल। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यूपी आरबीएनएल की वैकेंसी निकली है, तो इसमें आप में से काफी छात्र पूछ रहे थे कि सर इसका कहां पर हमको मिलेगा, पोस्टिंग मिलेगी। तो इसके लिए एक वीडियो पहले बना चुके हैं तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं लास्ट में डाल दूंगा। बाकी यूपी आरबीएनएल यूपीपीसीएल में सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यूपी आरबीएनएल में भी आपका 150 नंबर का पूरा टेक्निकल आता है और यूपीपीसीएल में भी 150 नंबर का टेक्निकल आता है। दोनों में अंतर क्या है कि यूपी आरबीएनएल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको दिए गए हैं जो कि यूपीपीसीएल में शायद नहीं पूछे जाते हैं, और यूपी आरबीएनएल में वो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक दिए गए हैं। और इसका सिलेबस भी लगभग मिलता जुलता है, इसमें जो 50 नंबर का नॉन टेक्निकल का पोर्शन आता है उसमें भी आपका रीजनिंग 20 नंबर की है, हिंदी है, बट इसमें इंग्लिश की जगह पर आपको जीके दिया गया है, जबकि यूपीपीसीएल में इंग्लिश आती है लेकिन इसमें उसकी जगह पर जीके आएगा। बाकी अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा है कि इसका सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न कैसा है तो इस वीडियो से पहले मैं ये वीडियो बना चुका हूं और आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देखेंगे। और इसका लिंक मैं लास्ट में एंड में आपको दे दूंगा ताकि आप इसके बाद तुरंत उसको देख सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि काम की, तो देखिए दोनों में काम आपका लगभग सेम ही है, आपको एसएसओ की पोस्ट पर ऑपरेट करने के लिए किया जाएगा। और चाहे तो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे आपका जनरेशन हो, आपका एसएसओ का काम सेम ही रहता है। बट बात यह है कि लोकल अगर आप अपने शहर में करना चाहते हैं तो आपके लिए यूपीपीसीएल है, लेकिन यूपी आरबीएनएल में क्या है, आपका जनरेशन जहां पर होगा वहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। और कहां कहां पर पोस्टिंग होगी इससे पहले की वीडियोस में बताया जा चुका है। बाकी यूपीपीसीएल में आपका ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं है और उसमें 50 नंबर का कंप्यूटर का एग्जाम होता है, जबकि यूपी आरबीएनएल ने ट्रिपल सी को अनिवार्य कर दिया है और ट्रिपल सी होने की वजह से इसमें कंप्यूटर का एग्जाम नहीं हो रहा है। तो यह है मेजर डिफरेंस। और मैं आप सभी से ये कहूंगा कि जिसने भी ट्रिपल सी नहीं किया है आप लोग ट्रिपल सी कर लें, और ट्रिपल सी हो सकता है कि आगे आने वाली फ्यूचर की भर्तियों में मांगा जाए, तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप लोग आज ही अप्लाई कर दें और ट्रिपल सी कर लें। बाकी इससे तैयारी कैसे करनी है और बाकी अगर आप किसी तरीके की टेक्निकल हेल्प चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप घर बैठे अच्छी तैयारी करें, तो बाकी सभी डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है कि आप घर बैठे तैयारी कैसे कर सकते हैं। और 16 मार्च से लखनऊ में बैच स्टार्ट हो रहा है तो आकर तैयारी करें, 4 महीने का समय लगेगा और इसमें आपको पूरे 200 मार्क्स की जो एग्जाम में आएगा उसकी तैयारी कराई जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जितनी भी वीडियोज की हो सब आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और एक अनाउंसमेंट और कि लाइव क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगी तो बेल आइकन को क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि अगर लाइव आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना भी जरूरी है। अपने दोस्तों को भी बताएं कि बहुत जल्दी लाइव क्लासेस यूपीपीसीएल और यूपी आरबीएनएल के एग्जाम्स के लिए इलेक्ट्रिकल विजन पर चलने वाली है जो कि एकदम फ्री है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।